अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट ब्रांड्स के ये शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी, निशात, गुल अहमद, ब्रीज़े, ठीक है, एंड कैसरिया। बट कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मैं नहीं इसमें शो कर पाई, क्योंकि जो है मैंने पार्सल सेंड करने थे, तो मैंने कहा आपके साथ ओवरऑल इसके लुक बता दूँ। अच्छा, ये ब्रीज़े का ड्रेस है, ये भी मेरी कस्टमर का है और ख़ूबसूरत। अच्छा, कलर देख लें आप लोग, ठीक है, लाइट टोन के साथ है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है इसके ऊपर, प्रिंटेड है। और ये आई थिंक इसकी प्राइस 5000 है, ठीक है, डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस जो है वो 5000 में मिला है। शिफॉन, प्योर शिफॉन का दुपट्टा है इसका, और ये आप इसका ट्राउज़र भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने ना थोड़ा इसको ओपन नहीं किया, क्योंकि मैंने आपके साथ फिर शेयर किया, मैंने पार्सल सेंड करने थे, तो मैंने ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सा ही ओपन किया है, तो मैं इस वजह से ये ओपन नहीं कर सकी। ये वाला जो ड्रेस है, इसका कलर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ये लाइट ऑलिव ग्रीन सा कलर है। नेक्स्ट आर्टिकल भी मेरी कस्टमर का ही है, ये भी ब्रीज़े से है, और इसके ऊपर भी आई थिंक 25% ही ऑफ था। प्रिंटेड है शर्ट इसके भी, और ये स्विस फैब्रिक में, वो लॉन में था, ये वाला स्विस में है, और ये शिफॉन का। इस तरह का मैंने पहले भी एक अपनी कस्टमर का बाय किया था, देन ये वाला भी बाय किया है। ब्रीज़े के बाद बता दूँ, ये लास्ट वीक चल रहा है उनका सेल का, अगर किसी को भी ड्रेसेस चाहिए तो रابطہ कर सकते हैं। अच्छा, ये केसरिया के जो मैंने विंटर के काफ़ी ड्रेसेस जो हैं वो बाय किए हैं, वो जो निशात एंड गुल अहमद वाला ड्रेसेस, सॉरी फॉर दैट, मैं ओपन नहीं कर सकी, ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम वीडियो बना रही थी, उसी टाइम जो है मुझे पार्सल सेंड करने पड़े। अच्छा जी, ये केसरिया की सिंगल शर्ट है, और ये मैंने 4 बाय की हैं शर्ट्स, 3 मैंने ऑनलाइन किए, एक मुझे जो है वो शॉप से मिले। ऑनलाइन जो सारे स्टॉक आ रहा था एकदम से संडे वाले दिन, तो मैंने उसमें से कुछ ये अपनी कस्टमर के किए हैं, शुक्र है ये मिल गए, वरना ये शर्ट मिल नहीं रही थी, हर जगह से आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। इसकी इस शर्ट की सबसे खूबसूरत चीज़ है, इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, नेक लाइन एम्बेलिशमेंट है विद मिरर एंड थ्रेड वर्क भी किया, और ये हैंडमेड है। अच्छा जी, इनके क्लॉथ्स की एक बात आपके साथ शेयर करूं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ इनके यहाँ पे कि आपने सिर्फ इसको हैंड वॉश करना है, इसको मशीन में यूज़ नहीं करें, ठीक है। एक तो मिरर वर्क ख़राब हो जाता है, और इनकी खदर बहुत ही अच्छी है, लाइट वेट है। ये इनके बॉर्डर आ जाएगा, जब ये स्टिच होगी तो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। अच्छा, ये जो है वो एक शर्ट मैंने अपनी बाय की है, बाकी 3 कस्टमर की है जी। ये इसके स्लीव्स आ रहे हैं, ये पिंक कलर के साथ आ रहे हैं सारे के सारे। इसके साथ मैंने ट्राउज़र भी बाय किया है, वो मे बी मैं अपना बनाऊं या अपनी बेटियों का बनाऊं, मैं उसको बाद में इसके साथ दिखा दूँगी आपको, वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये देख लें, अच्छा, इनके ऊपर केसरिया पे 40% तक का ऑफ है, देन ब्रीज़े पे जो आप लोगों को ऑफ़ मिलेगा वो 25-30% तक का ऑफ़ मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा जो जो ब्रांड्स जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है एंड ऑफ द सीज़न से, वो भी आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वॉच करें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्राइस मैंने इसकी बता दी है, तकरीबन 1200 की प्राइस रेंज में है ये, ठीक है, 1250 है, ये 1260 है। ये पॉकेट्स भी आ रही हैं, इट्स अप टू यू कि आप इसको यूज़ करें नहीं यूज़ करें, ठीक है, ये इस तरह से इस फ्रंट पे आ जाएगा। खद्दर फैब्रिक है, ये भी आपके साथ मैंने क्लियर कर दिया। ये बैक साइड है। कपड़ा अगर की बात करें तो इनका कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आपको किसी जैसे निशात में कोई फिक्र नहीं होती कि आपकी शर्ट बनेगी या नहीं, इसी तरह केसरिया में भी आपको खुला डुला जो है ना वो ड्रेस मिलता है। ये इसका मैंने खदर का इसके साथ बाय किया है, बट मैं सोच रही हूँ बेटियों का कुछ ना कुछ इसको बना दूँगी, वह खदर का मैं साथ प्लेन जो है वो ट्राउज़र इसका खदर का लूँगी। अच्छा जी, ये इसकी देखें, ये भी अच्छा, ये एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, नॉट एनी टाइप ऑफ मिरर, यहाँ पर कोई भी अटैचमेंट नहीं है मिरर की, जस्ट एम्ब्रॉयडरी, मल्टी कलर्स में सिंधी टांका यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है। आप इसकी शर्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, वो तो आप पे डिपेंड क्या है कि क्या है, खदर फैब्रिक है। वैसे मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं, और फैब्रिक बहुत अच्छा है इनका, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये तकरीबन 1300 में ये मुझे ट्राउज़र मिला है इनका 40% ऑफ होने के बाद, ठीक है। अच्छा, इनके थ्रेड वर्क बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ये भी इनकी गारंटी है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये ओवरऑल मैंने थोड़ा सा इसके साथ लुक शेयर कर दी है। एक और चीज़ भी शेयर करती जाऊँ आप लोगों के साथ, ये देखें फुल, इसको देखें, अच्छा लगेगा ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि ये ट्राउज़र इसके साथ अच्छा लगेगा या फिर कोई प्लेन लेना चाहिए।
अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल मेरी मदर का है और कलर भी इसका एक खूबसूरत है। प्लेन सा ड्रेस है बट प्राइस इसकी बहुत रीजनेबल, 2400 में ये मिला है। कैसा है फैब्रिक? फैब्रिक है इसका खदर फैब्रिक है और लाइट वेट खदर है। ये इसके ऊपर ब्लैक कलर का प्रिंट बना हुआ है सारा का सारा, ठीक है। ये प्रिंट है चूँकि ब्लैक में है, और इसमें दूसरा कलर भी अवेलेबल था, रेड कलर, ठीक है। ये भी कलर काफ़ी खूबसूरत है और रेड भी है। ये देख लें आप, इसको कैजुअल वेयरिंग के लिए बेस्ट आई थिंक सो, घर में पहनने के लिए आप इस तरह से। और प्राइस भी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 2400 का आप लोगों को मिल जाएगा जी। इस पर कोई एम्बेलिशमेंट, कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, प्लेन है, जस्ट नेक लाइन है, स्लीव्स वगैरह, ये जस्ट इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है। और खदर फिर मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ, इनकी खदर बहुत अच्छी है। टू या थ्री टाइप्स की खदर होती है ना, ये प्योर खदर होती है, ठीक है। ये जो ये वाली है, जो स्लब खदर होती है उसके अंदर लाइनिंग आएगी, ठीक है। स्लब खदर में थोड़ी थोड़ी लाइनिंग आती है। ये वाला जो फैब्रिक होता है ना, ये ज़्यादा वार्म होता है एज़ कम्पेयर टू द स्लब खदर के। ये मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ, ठीक है। ये जो प्योर खदर है ये ज़्यादा अच्छी होती है। स्लब खदर अच्छी होती है लेकिन उसमें ये ज़्यादा वार्म होती है बस, ठीक है। लेकिन इनकी यहाँ जितनी कैटेगरी है ना, वहाँ मेंशन होता है जी ये प्योर खदर है, ये स्लब खदर है। अच्छा, अब ये इसके साथ प्लेन ट्राउज़र कलर आप लोग बताएगा कैसा है। नेक्स्ट वो आर्टिकल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हिट आर्टिकल है। ये जिंक कलर में है, इनका वॉल्यूम 1 का ड्रेस है और ये बहुत ही एक अपनी कस्टमर के लिए। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली हैंड वॉश, प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखा करें। इस तरह के ड्रेसेस आप लोगों को वॉशिंग मशीन में मत यूज़ किया करें, ये बहुत अच्छी टिप है आप लोगों के लिए। एक जब भी आप श्रिंक करें कोई भी ड्रेस, कभी भी उसको सनलाइट में श्रिंक नहीं करना, मतलब उसको ड्राई आपने सनलाइट में नहीं करना। ये फर्स्ट टिप होती है किसी भी कपड़े को संभालने की या कलर फेंट करने की। अगर आप कभी भी वॉश करें, हैंड वॉश करें अच्छे ड्रेसेस, ठीक है। सेकेंड ये चीज़ है, वॉशिंग मशीन में नहीं यूज़ करें। मैंने आज तक अपना कोई भी ड्रेस वॉशिंग मशीन में नहीं यूज़ किया, ठीक है। अगर आपने अपने ड्रेसेस को बहुत अच्छे लेके जाना है तो प्लीज़ ये बहुत अच्छी टिप है आप लोगों के लिए, तो वॉशिंग मशीन को यूज़ नहीं करें, हैंड से वॉश करें उनको। अच्छा, ये पहले ड्रेस की सारी डिटेलिंग बता दूँ। इसमें टू कलर्स थे, एक सिंक कलर ये वाला है, टाई एंड डाई में है, इस पर बहुत अच्छी एम्बेलिशमेंट है नेक लाइन के ऊपर, ठीक है। और ये लॉन फैब्रिक में है। इसमें सेकेंड कलर ग्रीन 1 है, दोनों कलर अच्छे हैं बट मैंने इसको बड़ी मुश्किल से अरेंज करवाया। टू या थ्री ये ड्रेसेस, थ्री आई थिंक बाय की हैं। तो प्राइस इसकी, ये ओरिजिनल प्राइस 5690 में था, अभी आप लोगों को 3900 में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे इनके कलर्स हैं और कलर्स फेंट की भी मैंने आपको गारंटी दे दी है कि जी इनके कलर फेंट नहीं होता, बट आपको भी एहतियात करनी होती है। प्लीज़ ये नहीं होता, 2 दिन आप लोग बाहर धूप में ही रखे रहते हैं, पूरा दिन धूप में ही कपड़े सुखा रहे होती हैं, तो सारे कपड़े तो ख़राब होंगे। इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगाएं, अगर पैसे लगा रही हैं तो अपने कपड़ों का भी ध्यान रखें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और ये टिप भी ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।